क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो। हमें प्रूव करना है इक्वल दोनों साइड को, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे RHS, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है मतलब LHS। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं दोनों बताऊँगा आपको, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लो, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं, पहले इसे सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करते हैं। तो मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर रहा हूँ। मेरा क्या है ये, tan इनवर्स अंडर रूट x है ना, इक्वल टू, फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं, 2 tan इनवर्स x हमारा इक्वल होता है, इस साइड cos है ना, तो cos वाला देख लो आप, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, 2 tan इनवर्स x हमारा इसका इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास है क्या, tan इनवर्स, तो ये 2 चाहिए हमें, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है ना, क्यों किया हमने ये, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए और हम इसे यूज़ कर सकें। तो बन गया अभी 2 tan इनवर्स x, x हमारा क्या है यहाँ पे, अंडर रूट x, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आप अंडर रूट x पुट कर दोगे, ठीक। तो क्या आ गया आंसर, आ गया हमारे पास 1/2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर cos, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x क्या है, अंडर रूट x, मतलब 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट x, तो 1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया क्या, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब x अपॉन में अंडर रूट x का होल स्क्वायर मतलब x, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्या ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा एक प्रूफ जो कि आसान था। एक तरीका और है, वो भी देख लो, ये याद है कि नहीं, क्लास 11th का है, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसे प्रूव करते हैं, ठीक है, बताऊं कि नहीं बताऊं, बता देता हूं, ताकि आपको दोनों चीज़ आए तो अच्छी बात है कि नहीं। ये हम पहले भी देख चुके हैं कई बार, इस साइड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इस साइड क्या है, टेन इनवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि cos 2x हमारा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो बात बन जाएगी, ठीक है। मैंने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे भी cos है, cos है, cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं x को टेन स्क्वायर एक्स लेट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x का, और फिर cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर क्या लूँगा, मैं राइट हैंड साइड ले देता हूँ, जो कि मैं लेफ्ट के इक्वल प्रूव करने वाला हूँ, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, ये वाला, लेट x इज इक्वल टू, क्या लेट करना पड़ेगा हमें, टेन स्क्वायर x लिखा है यहाँ पे, x हम यूज़ कर चुके हैं पहले भी, तो x की जगह पे कुछ और ले लो, कुछ भी, टेन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, तो पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, RHS क्या मिलेगा, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, जो कि हमने लेट किया है टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे किसके इक्वल होता है, cos 2x के, मतलब यहाँ पे थीटा है तो cos 2 थीटा के इक्वल होगा, है ना, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 1/2 इंटू में 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, थीटा मिल गया। थीटा है क्या, निकाल लो यहाँ से थीटा की वैल्यू, बताओ क्या आएगी। अगर मैं बात करूँ थीटा क्या है यहाँ पे, तो पहले स्क्वायर को ले जाओ इस साइड, तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर टेन को इस साइड ले आओ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, टेन
इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई है थीटा की, ये पुट कर दो, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो क्या ये इक्वल नहीं आ गया LHS के, है कि नहीं, LHS के इक्वल आ गया। तो हमने RHS को LHS के इक्वल प्रूव कर दिया, hence LHS is equal to RHS। ठीक है, hence प्रूफ। तो दोनों साइड से हमने प्रूव कर दिया और हमें दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए और याद कर लिए और नोट भी कर लो इन्हें, ठीक है ना। ओके okay?